सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, जर्मन लैंग्वेज के अंदर चाहे आप लिख रहे हो, चाहे आप बोल रहे हो, चाहे आप किसी के साथ वन टू वन बात कर रहे हो, ठीक है, आगे जाके आप भी जब किसी को पढ़ाओगे तो आपने ध्यान रखना है, ये जर्मन लैंग्वेज का बेसिक है कि इसमें दो तरीके होते हैं बात करने के, ठीक है, एक होता है आपका फॉर्मल वे और दूसरा होता है इनफॉर्मल वे, ठीक है। फॉर्मल वे जब हम कम्युनिकेट करते हैं किसी नए बंदे से जो हमारे से परिचित नहीं है, उम्र से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लिख लो जैसे जैसे स्क्रीन पे आ रही है ना, जैसे मान लो कि आपने कोई एप्लीकेशन देनी है किसी जॉब के लिए या कोई ईमेल लिखना है, तो उसमें हम यूज़ करते हैं फॉर्मल वे, ठीक है, ओके। और दूसरा होता है हमारा इनफॉर्मल वे, उसका ऑपोजिट, जब आप किसी जानकार से बात करते हो, उस जानकार में कोई भी हो सकता है, आपका फैमिली मेंबर हो सकता है या फ्रेंड हो सकता है या कोई भी नॉन पर्सन, ठीक है, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं इनफॉर्मल वे, इनफॉर्मल वे, ठीक है। फॉर्मल वे होता है आपकी सेंस में, आप कैसे हैं, आप ठीक हैं, और जो इनफॉर्मल होता है वो तू या तुम, किस उसमें सिनेरियो में चलता है, ठीक है, तुम कैसे हो या तू कैसा भाई, ठीक है, क्योंकि ये बेस है, ये आगे तक चलेगा ये, ठीक है, चाहे आप जो मर्जी लेवल करो, तो फॉर्मल और इनफॉर्मल वे से ही आपको सेंटेंस बनाने हैं, बोलना है, लिखना है, सब कुछ, ठीक है। ये तो हो गया फॉर्मल और इनफॉर्मल वे। अब देखते हैं कि जब हम इंट्रोडक्शन देते हैं ना, इंट्रोडक्शन जब देते हैं, आप किसी का इंट्रोडक्शन ले रहे हो या आपका कोई इंट्रोडक्शन ले रहा है, तो ये क्वेश्चंस है आपकी स्क्रीन पे, मैं एक एक करके पहले आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये वर्ड लिख लो, इंट्रोडक्शन को हम बोलते हैं डी फोर शिटेलो, ठीक है, इसका आर्टिकल डी है। और इसकी एक टिप दे देता हूँ अभी, जिस भी नाउन के पीछे यू एन जी होगा ना, ऊ एन गे, जैसे इसमें फोर शिटेलुंग है, ऊ एन गे, तो उसका आर्टिकल हमेशा डी होगा, डी होगा, इसको स्टार करके लिख लो एज ए टिप, इंट्रोडक्शन होता है डी फोर स्टेलुम। अब हम बात करेंगे पहले, हाँ, फॉर्मल वे में, फॉर्मल वे में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या आंसर दिया जाता है, तो क्वेश्चन लिखो वी हाइजन जी का मतलब होता है यू, जी होता है यू फॉर्मल वे में, और आप होता है हिंदी में, ठीक है, इसका जो इंग्लिश में बनेगा हाउ टू कॉल यू, ठीक है, इसको लिख लो आप, और उसका आंसर जो बनेगा इश हाइजे जतिंदर सिंह। अब देखो फॉर्मल वे में एक क्वेश्चन और बनता है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे ये बोलेंगे कि वी हाइजन जी, ये क्वेश्चन एक ऐसा भी आता है वी ईस्ट ईयर नामे, तो इसमें आपने आंसर करना है मायने नामे ईस्ट सुमित, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है अगला, जब आपका नाम वगैरह हो जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो फिर वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन यही आता है मोस्ट ऑफनली कि वो हैर कॉमन जी, जी इसका मतलब होता है वेयर डू यू कम फ्रॉम, इसका आंसर आएगा इश कॉमे आउस इंडियन, ठीक है, इंडिया नहीं होगा इंडियन, ठीक है, इंडियन के स्पेलिंग लिख लेना आप, ठीक है, आई एम फ्रॉम इंडिया। और अगला क्वेश्चन है कि जब आप ये बता दो कि आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हो, तो अगला क्वेश्चन आता है वो वोनन जी, वेयर डू यू लिव, ओके, ठीक है, इश्वोन इन न्यू दिल्ली या जो भी आप जहाँ रहते हो, ठीक है, आई लिव इन सो एंड सो प्लेस। तो ये है आपके दो दो क्वेश्चन, ठीक है, आपके फॉर्मल वे में, जिसमें आपका नाम कवर हो गया, आपकी कंट्री और आपकी सिटी या स्टेट जो भी है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या है, अब हम देखते हैं इनफॉर्मल वे में, ठीक है। अब देखो इसमें अगर हम देखो कि सबसे पहला जो पिछली स्लाइड में था वी हाइजन जी, यहाँ पे हो जाएगा वी हाइस्ट डू, तो इसका आंसर भी वही सेम ही होगा इश हाइज सो एंड सो, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आ जाएगा वी इस्ट दाइन नामे, तो माई नामे ईस्ट जतिंदर सिंह, ठीक है, ठीक है। अब एक थर्ड क्वेश्चन इनफॉर्मल वे में बनता है, ज़्यादातर लोग ऐसे भी पूछ लेते हैं वेयर बेस्ट तू, वेयर बेस्ट तू, हु आर यू, ये बहुत ही इनफॉर्मल हो गया, ठीक है, इश बिन सो एंड सो। फिर क्वेश्चन बनेगा इनफॉर्मल वे में, अगर कंट्री के बारे में पूछा जा रहा है, तो वो है कॉम्स्ट दू, इश कॉमे हाउस इंडियन, और नीचे जो था वो वोनन जी, यहाँ बन जाएगा वो वोन्स्ट दू। अब इस पर तुम देखना कि जो मैंने ऊपर सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें जो स्टार मार्क लगा रखा है, ठीक है, और नीचे वो हैर कॉम्स्ट दू और वो वोन्स्ट दू, ठीक है, इसमें स्टार लगा रखा है, बेसिकली ये ना वर्ब की कॉन्जुगेशन होती है, ठीक है, वर्ब की कॉन्जुगेशन होती है कि जो सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगाई जाती है, क्लियर है, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, yes,
अब देखो, अब हम जो है डेली ग्रीटिंग्स कैसे करते हैं, एक दूसरे से ग्रीट कैसे करते हैं, तो ग्रीटिंग्स को हम बोलते हैं डी पेक्रियूज़ुम। अब हम देखते हैं कि पहले फॉर्मल वे में हाय हेलो कैसे होता है, ठीक है? तो इंग्लिश में हेलो होता है, ये जर्मन में होता है हालो, ठीक है? इसमें जो ए आ जाता है, HALO, हालो, ठीक है? ठीक है, और जो किसी से हालचाल पूछते हैं तो ये क्वेश्चन लिखो आप, वी गेटेस इनन, हाउ आर यू, और इसका जो आंसर बनेगा, जो आप दोगे या आप किसी से पूछोगे, तो सामने वाला आंसर करेगा कुछ ऐसा, एस गेट मियर गुट। और उसी तरीके से जो है इनफॉर्मल वे पे अगर आप देखो राइट साइड में, तो हालो जो है वो सेम रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे था, वी गेट्स इनन। यहाँ पे जो है ना दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, पहला बनेगा वी गेट्स डियर, वी और दूसरा एक बनता है वी गेट्स, ऐसे भी हम पूछ लेते हैं वी गेट्स, ठीक है? तो इसमें देखो जब आप इनफॉर्मल वे में आंसर करोगे ना, उसके तीन आंसर बनते हैं, एक तो हो गया एस गेट मियर गुट, ठीक है, और आप ये बोल सकते हो एस गेट गुट, ये लिख लो आप, इम्पोर्टेंट है ये, ओके सर, डन। ठीक है, एस गेट मियर गुट या एस गेट या एस गेट, दो वर्ड्स, एस गेट, ठीक है? उसके बाद अगर आप पूछोगे उन उन दू या उन इनन, तो वो सेम आंसर आएगा, ठीक है? तो ये हो गया आपका जो है नाम, आपकी कंट्रीज कहाँ से बिलोंग करते हो, और ग्रीटिंग्स हो गए, ठीक है? अब आप देखो कि हम एक दूसरे को विश कैसे करते हैं, विशेस और फेयरवेल कैसे होता है। तो विशेस को हम बोलते हैं डी बेग्रियूज़ुम, ठीक है, बेग्रियूज़ुम, इसका इसको भी यही बोलते हैं। और जो फेयरवेल होता है, जैसे फेयरवेल हम किसी को सी ऑफ करते हैं, दिन खत्म हो रहा है जब किसी को सी ऑफ करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं आपशीड। तो अर्ली मॉर्निंग में हम बोलते हैं गुटन मॉर्गन, गुटन मॉर्गन, गुटन मॉर्गन। दिन थोड़ा बढ़ेगा आगे तो फिर आपका आ जाता है गुटन टाग। जब शाम का समय होगा, आप किसी को विश करोगे तो गुटन आबेंट, ठीक है? और जब आप रात को किसी को सी ऑफ कर रहे हो, मतलब कोई सोने जा रहा है या आप जा रहे हो सोने के लिए, आप किसी और को बोलोगे तो गुटे नाक्ट। और लास्ट में फॉर्मल वे में जब हम किसी को सी यू सून बोलते हैं, ऐसा जब बोलना चाहते हैं, तो उसमें हम बोलेंगे आउफ वीडर जेन। अब इसके कंपैरेटिवली जब हम इनफॉर्मल में बात करेंगे, तो गुटन मॉर्गन, गुटन टाग, गुटन आबेंड और गुटन नाक्ट, ये तो सेम रहेगा, लेकिन जब हम किसी को सी ऑफ करेंगे ना, वो थोड़ा अलग होता है इनफॉर्मल में, ठीक है? वो थोड़ा अलग होता है। सी यू सून किसी को बोलते हैं, तो उसमें आउफ विडर ज़ेन हम नहीं बोलते हैं, उसमें सबसे पहले हम बोलते हैं च्यूस, च्यूस या चाओ। सी यू सून में हम बोलते हैं बिस पाल्ट, सी यू सून। और एक होता है बिस स्पेटर, बिस्पेटर, स्पेटर नहीं, श, क्योंकि मैंने कल बताया था ना, जिसमें एस और पे आएगा तो वो साउंड करेगा श, ठीक है? और सी यू टुमारो का होता है बिस मॉर्गन, देखते हैं। अच्छा, अब ये वर्ड्स कुछ लिखो,